कहना चाहेंगे ओवरऑल इस इवेंट को लेकर, और इतने एक्साइटेड कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं हर हमेशा चाहता हूँ कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावरमेंट मिले, और आज इन्होंने जो इवेंट किया उसमें जो जितनी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स थी और स्पेशली जो स्टार्टअप में थी उनको सम्मानित करने के लिए उन्होंने ये इवेंट किया। और जब हम वुमेन एंटरप्रेन्योर के इस देश में आगे बढ़ते देखते हैं तो एक बहुत माइंड सेट में शिफ्ट नज़र आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये माइंड सेट रहा तो इस देश का सर्वांगीण विकास में ये बहुत कारगर कदम लेगा, और जो इस देश की प्रतिभा है उसको आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। ये हर हमेशा मानना है कि अगर इस तरह की इवेंट की जाए तो इससे स्त्रियों को, औरतों को और लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और उनमें आगे बढ़ने की जो है वो प्रबल इच्छा होगी, और वो अपने परिवार को, अपने घर को काफ़ी अच्छे से मदद कर सकती है, और उसका जो है ग्रोथ कर सकती है, विकास कर सकती है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की इवेंट होनी चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्त्री वर्ग जो है वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होंगी और उन्हें काफ़ी ज़्यादा शक्ति मिलेगी ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। क्या लगता है आपको, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, ये भी उसी में से एक पार्ट है, और क्या कुछ ऐसे लगता है कि करना चाहिए और कुछ बाकी रह गया है जो महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए किया जा रहा है? मेरे ख्याल से जो सरकार है वो भी इसके लिए काफ़ी कारगर कदम उठा रही है, और काफ़ी सॉफ्ट इंटरेस्ट रेट पे भी उनको लोन जो है प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है। मेरे ख्याल से ज़्यादा हम इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि अभी भी जो है अवेयरनेस प्रोग्राम काफ़ी कम है, और जो एक हैंड होल्डिंग करने की ज़रूरत है उनकी, तो अगर हम उनकी हैंड होल्डिंग और ज़्यादा करेंगे और उनको हर तरह से गाइड करेंगे, मेंटर करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये जो है इसका जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से होगा। दिलीप पंड्या ने जब आपको ये प्रस्ताव दिया आपके सामने, तो कैसा उस समय एक्सपीरियंस कैसा रहा, और दिलीप पंड्या के सक्सेस के बारे में क्या कुछ? देखिए, मुझे इस तरह की इवेंट अच्छी लगती है जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट हो। मेरा सुबह में भी एक अच्छी लगती है, क्योंकि सुबह में भी इवेंट थी, और इस तरह की इवेंट होनी चाहिए जो है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट में ही था मैं, और अभी भी एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट है, लेकिन ये जो है वुमेन को जो है डायरेक्टेड इवेंट था, तो उन्होंने जब बुलाया मुझे तो मैंने बोला जरूर जरूर आएंगे, तो हमने वो इवेंट ख़त्म किया और वहाँ से मैं सीधा इसी इवेंट में आ रहा हूँ। तो इस तरह से इस इवेंट में आया, उन्होंने बात की, और वो खुद भी अपनी ग्रोथ की, अपनी बिजनेस की बात हर हमेशा करती है, तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस तरह के इवेंट में हम आकर के उनको अगर प्रोत्साहन मिले तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अजय जी, अपने सक्सेस के बारे में थोड़ा सा बता दें। मैं तो जानता हूँ, लेकिन दर्शक जो देख रहे हैं वो नहीं जानता। देखिए, मैं BSE से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको पहले कहा जाता था, उससे जुड़ा हूँ मैं, और वहाँ के जो SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है उसको मैं हेड करता हूँ। इस देश में SME प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने वाली BSE पहली संस्था थी, तो वहाँ से हमने इसका विकास किया। आज हमने यहाँ पे 364 कंपनियों को जो है लिस्ट करा दिया है, 364 कंपनियों ने करीब करीब 4,000 करोड़ रुपया जो है इस मार्केट से उठाया है, और आज उनकी पूरी वैल्यू जो है वो 50,000 करोड़ की है। तो इस तरह का काम हम कर रहे हैं ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल सके और उनको इक्विटी फंडिंग मिल सके। तो यही छोटी सी मेरे बारे में जो है जानकारी जो मैं आप लोग को देना चाहूँगा। इस अवार्ड को लेकर मेरा एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, और लाइक जहाँ पर महिलाओं की बात होती है तो बहुत जगह मैंने भी ये चीज़ देखी अपनी लाइफ में। मैं आज मैगज़ीन की ओनर हूँ, मेरा न्यूज़पेपर आता है, और प्लस मेरा महिला मंडल भी है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में बहुत तकलीफ़ होती है। लोग जो है ना वो हम लोगों को ये महिला है करेंगी नहीं करेंगी पता नहीं, ये जो थॉट है ना, ये मैंने भी इसको फेस किया है जिसके बारे में गरिमा जी बता रही थी, और जिस तरह से निधि जी ने ये जो प्रोग्राम किया है मेरी नज़र में बहुत अच्छा है।
सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि जो महिलाओं को इसमें सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। मेरी गर्ल्स में भी 20-20 लड़कियां मेरे पास काम करती है, जो काफ़ी खुश भी है इस चीज़ को लेकर कि हम लोग भी लड़कियों को ही आगे करते हैं, क्योंकि इनकी हेल्प भी करनी चाहिए। और ये मैगजीन जो है वो क्या है और क्या करती है, वो इसके बारे में? जी बिल्कुल, मंशा मैगजीन जो है इट्स ये एक मैगजीन है। इस मैगजीन में हम न्यू कमर आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं और जिनकी ख्वाहिशात है, जो हमारा मैगजीन जो है वो हर प्रोडक्शन हाउस में जाता है, स्टेशन्स पे, रेलवे में, वीटी में, हर जगह मिलता है। तो जहाँ पर भी जो न्यू कमर्स आर्टिस्ट है उन तक पहुँचने के लिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो हमारे मैगजीन के माध्यम से उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलती है। कहीं से डायरेक्टर का कॉल आ जाता है, कहीं कोई प्रोडक्शन हाउस से बुला लिया जाता है, तो ऐसे मेरे 4 बच्चे जो है अभी वर्क कर रहे हैं। सुनने में ऐसा आया है कि आप कोई ट्रांसजेंडर को लेकर कोई शो करने वाली हैं, क्या है उसका थीम, क्या है और क्या कुछ है, कैसे भी ख्याल आया कि ट्रांसजेंडर को लेकर अवार्ड शो या अवार्ड फंक्शन या फैशन शो करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये तो अभी ऐसा हो गया कि राज की बात अब खुल रही है यहाँ पर। एक्चुअली ये काफ़ी सीक्रेट था, बट ठीक है, मैं शेयर करना चाहूँगी। ट्रांसजेंडर को लेकर मैं एक शो कर रही हूँ, अवार्ड शो, एक्चुअली नॉट ट्रांसजेंडर, इसमें बहुत रहेंगे लाइक गेज, जिनको हम देखते अरे गे है नहीं, उनको कुदरती उनको अल्लाह ने, भगवान ने और गॉड ने उनको ये चीज़ खुद दी है, तो मैं उसके लिए काम करना चाह रही हूँ कि जो ओरिजिनल है उनको जब हम देखते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग आती है। मैं चाह रही हूँ कि वो लोग मेरे साथ एक रैम्प शो में काम करें, मेरे साथ रैम्प पे चले और मैं उनको अवार्ड दूँ, उनको ये करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मैं छोटी थी तो मैंने देखा है एक हसीना आपा करके थे जो एक्चुअली कुदरती अल्लाह की तरफ से ही वो गे थे, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे बच्चों से, बहुत ज़्यादा, लेकिन लोग जो भी थे ना उनको बहुत बैड वर्ड यूज़ करते थे कि अरे वो आ रहा है, अरे ये देखो वो आ रहा है, तो वो चीज़ मेरे आज भी दिमाग में है। सो मैंने उनको रख के अपने माइंड में ये चीज़ एक कॉन्सेप्ट सोचा है कि मैं एक शो करूँगी जिसमें ये सब कोई मेरे साथ होगा और बाकी वैसी इनकी अगर मैंने दुआएँ ले ली तो इंशाल्लाह बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर मैं जा सकती हूँ, मेरा ऐसा मानना है। माही खान का सक्सेस की अगर बात करें तो बहुत कम दिनों में बहुत बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी टीम खड़ा कर दी, कैसे हुआ, कैसे कर पाती हैं? सबसे अच्छी बात ये होती है ना जब आपको टीम मजबूत मिले। मेरी टीम में माशाल्लाह से एक मेरा भाई, मैं भी बोल सकती हूँ राखी भाई जैसे सब बोलते हैं, मेरा कोई भाई नहीं है, तो ही इज़ लाइक माई ब्रदर, और वो अभी यहाँ पर है नहीं, पीछे से स्माइल कर रहे हैं, सो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ वो भी आ जाए। और इन्होंने बहुत अच्छी एक टीम बनाई है, हम लोगों ने एक टीम बनाई है, ये टीम मेरी अभी तो यहाँ पर थोड़े कम लोग हैं, आई थिंक 10 भी नहीं होंगे, लेकिन ऐसे ही मेरी टीम में 45 लोग हैं, गर्ल्स और बॉय दोनों को मिलाकर, तो मेरी बहुत बड़ी टीम है और माशाल्लाह मेरी टीम इतनी सपोर्टिव है कि अगर आपको रात में 2 बजे भी मंशा मैगजीन की टीम से बात करनी हो तो दे आर अवेलेबल। और कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स से जो आपको देख रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी प्लीज़ मंशा मैगजीन को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, और मैंने बहुत कुछ बेबाक लिखा है इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर, सो प्लीज़ उसको लाइक करें, और ये आने वाले एडिशन में है, नहीं तो सब लोग जाके पुराना वाला एडिशन खोलेंगे, आने वाले एडिशन में, सो प्लीज़ उसको पढ़े और जो भी फीडबैक है वो मुझे दे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट करें, मैं भी आना चाहती हूँ, लोगों से बात करना चाहती हूँ, अपने उनके और अपने थॉट जो है वो मैच करना चाहती हूँ, और मेरी इस टीम को आप सब लोग की तरफ से, सॉरी हमारी टीम की तरफ से आप सब लोगों को थैंक यू सो मच जो हमें इस प्लेटफॉर्म पे बिठाया है। हाँ, हम लोग डर रहे हैं एक्चुअली, इतने सारे मीडिया लोग ने घेर लिया है ना। एक बात और कहना चाहूँगी, मेरी लाइफ में एक और शख्स है जिन्होंने मुझे बैक टू बैक ये प्लेटफॉर्म दिया है, हिज नेम इज अखिलेश, अखिलेश जी थैंक यू। मैडम अपना पंचे ले लें और इस ग्रूमिंग बिल्डिंग ग्रूमिंग बिल्डर ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ओके, हेलो, दिस इज़ रेखा आगाशे, फाउंडर ऑफ हाई ग्रोथ स्ट्रैटेजिक अलायंस, और आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी गिवन एन अवार्ड बाई ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर्स विच हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिंग the entrepreneurs in their journey to become
successful big organization. It has been a wonderful association with Nidhi and with Arjun, both of whom are my friends, as well as we are business partners. So thank you again, very happy to be here, and more cheers and success to growing entrepreneurs. Thank you. Arjun, aap kya kehna chahenge sir? So Nidhi sister, she's like a cousin sister of mine. So she herself and I started this 2 years back, and the way it has taken a shape, the way so many people are involved today, is it looks like a dream. ऐसा लगता है कि एक सपना हो गया कि हम लोगों ने ऐसे चालू किया था, but आज कौन से level पे है ना, जितने बड़े 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 लोग भी आए हुए. So it looks like a dream, and today marks as a very important day, क्योंकि निधि जो मेरी निधि मैम जो है, she is like मेरे बहुत सारे कजिन सिस्टर है, बट शी इज़ द ओनली वन दैट आई एम वेरी क्लोज विथ. एंड हम लोग आज पहली बार मिल रहे हैं, इवन दो वी फाउंडेड इट टुगेदर, वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. सो इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल डे फॉर बोथ ऑफ अस. थैंक यू यार. थैंक यू सो मच. अवार्ड मिला है आपको रूलिंग इंडिया की तरफ से, निधि पांड्या ने आपको सम्मानित किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा रहा एक्सपीरियंस और कितनी खुशी हो रही है अवार्ड मिलने? बहुत बहुत खुशी हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू to Akhilesh sir, to this whole team, to Nidhi ma'am, who organized for women something. मतलब ladies के लिए कुछ करना बहुत बड़ी बात है, और उसे promote करना उससे भी बड़ी बात है. Ladies अपने आप में एक बड़ा हुनर है. स्त्री, you know, स्त्री मतलब वो हर चीज़ कर सकती है. We can say नारी शक्ति कितने रूप है, but we really appreciate this moment and this award, prestigious award. I'm so much happy to get this award, entrepreneur and for women's के लिए जो निधि मैम ने और सर ने, अखिलेश सर ने जो किया है, इट वाज अमेजिंग अमेजिंग. सो रियली थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वंडरफुल इवेंट. रियली थैंक यू. नमस्कार दोस्तों, ये हैं सौर्या मालदे जी, शरीयू मालदे जी, और 13 फरवरी को मैंने सी प्रिंसेस होटल में अवार्ड फंक्शन किया था, और मालदे मैडम नहीं आ पाई थी किसी कारणवश, तो ये ट्रॉफी आज मैं इनको हैंड ओवर कर रहा हूँ. और मैं चाहता हूँ कि आप दो शब्द आप भी कहें, और सौर्या मालदे जी कैसी कैसा लग रहा है फीलिंग जब ये मतलब मैं बयान नहीं कर सकती हूँ ज़्यादा का फर्क है. और ये मतलब एक नाम में ही इतना बड़ा फल है, ये नाम ही एक ऐसा है कि किसी को भी बोलेंगे ना तो बोलेंगे, मतलब एक मूव हो जाता है कि वाह, दिस इज समथिंग विच यू अचीव. ये ज़िंदगी में होना चाहिए, हर इसका एक ख्वाब रहता है. ये मैंने भी देखा था, बट पता नहीं था इतना जल्दी पूरा हो जाएगा. थैंक यू सो मच अखिलेश जी, आपने नॉमिनेट किया, आपने मुझे बहुत मतलब हेल्प भी किया फाइनेंशियली भी जो भी है, बट ये लेवल तक मैं आई मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है. ये बहुत बड़ा हुनर है अपने आप में कि हाँ, एज अ हाउस वाइफ, एज अ वर्किंग वूमेन, आई कैन प्रूव माई सेल्फ. थैंक यू सो मच. थैंक यू अखिलेश जी वंस अगेन. थैंक यू. थैंक यू. सर बेसिकली मैं खुद मतलब चाहता हूँ कि फीमेल एंटरप्रेन्योर है वो आगे से आगे बढ़े. हमारे जो एनजीओ है, मेरे जो वर्क कल्चर में भी है, वहाँ पे 70-80% मैं फीमेल लोग को प्रावधान देता हूँ और उनको प्रायोरिटी देता हूँ. क्योंकि मैं मानता हूँ अगर आप सच्चे दिल से अपनी माँ को प्रेम करते हैं, तो एक कुदरत जो है उन्होंने इतना प्रावधान दिया है, उनको प्रोविज़न दिया है आगे बढ़ाने के लिए. अपने को जो इंडिया में है उसको आगे लाना चाहिए. और ये रियली जो मेक इन इंडिया प्रोसेस जो हमने माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने चालू किया है, जब तक फीमेल एंटरप्रेन्योर उसमें नहीं आएगी तब तक वो मेक इन इंडिया इतना सक्सेस नहीं होगा. और ऑल द बेस्ट टू निधि पांड्या मैडम, इन्होंने आज अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया. 70-80% जो फीमेल एंटरप्रेन्योर को आज अवार्ड दे के उन्होंने सही महीने में आज मेक इन इंडिया को एक पूरा मोमेंट दे दिया है. मैं खरे दिल से उनको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सर.
हेलो एवरीवन, मैं हूँ ममता सोलंकी, एक्टर सिंगर। मेरी मूवी अभी आई है थर्सडे, आप उसमें मुझे देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा काम कर रही है निर्देश, इज गिविंग प्लेटफॉर्म टू ऑल द लेडीज़। और अभी वुमेंस डे आ रहा है तो ये हमारे लिए गिफ्ट ही है। आज मुझे भी यहाँ पर फेलिसिटेट किया गया है एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है रिसीव करते हुए। एंड कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल द वुमेंस हु हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस एंड कॉन्ग्रेचुलेट टू निधि, शी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। यस, निधि इज हियर। अब मैं बैठी हूँ। निधि इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक औरत दूसरी औरत को सपोर्ट करती है, ये हमेशा ही खुशी की बात है। तो आप लोग भी कीजिए, आप लोग भी दूसरी औरतों को सपोर्ट कीजिए निधि की तरह। और हर औरत एक प्लेटफॉर्म चाहती है, तो आप भी दूसरों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कीजिए। थैंक यू सो मच निधि, यू कैन से थैंक यू सो मच। मुश्किल से तो हाथ में आई है, कहाँ भाग रही है। आज बड़ी प्यारी लग रही, खूबसूरत लग रही है आप इस ड्रेस में। अच्छा, थैंक यू। और क्या कहना चाहेंगे, जितने लोग भी गए यहाँ पे, बहुत तारीफ कर रहे थे इस अवार्ड को, सक्सेसफुल अवार्ड फंक्शन था, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और कैसे जहन में आया कि हाँ महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए इस तरीके का अवार्ड करना चाहिए? महिला से क्या दूसरा से तीसरा से एक से बढ़कर एक हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? औरतों के लिए नहीं है, मेरा कम्युनिटीज़ जो है वो मेल फीमेल दोनों ओरिएंटेड है, बिकॉज जितना फीमेल्स है उतना ही मेल का भी इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में और हमारे ग्रुप में। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट वुमेन बट मेंस भी है। ये एंटरप्रेन्योर का अवार्ड्स था, मेरा बहुत सारे कम्युनिटीज़ है जैसे ग्रोइंग बडीज़ है, लास्ट टाइम आप थे अखिलेश जी, वो हमने ग्रोइंग बडीज़ का किया था। इस बार हम ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर्स के 2 साल पूरे कर चुके हैं, इसीलिए ये कार्यक्रम था कि सेलिब्रेशंस हो, सब मिले, वुमेंस डे का एंजॉयमेंट हो और एंटरप्रेन्योर्स को कुछ अप्रिसिएशन करने का मौका मिले, एग्जिबिट किए। जैसे आपने देखे बहुत सारे स्टार्टअप्स थे जो अपनी चीज़ें एग्जिबिट कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे जो गिफ्टिंग पार्टनर एज बेकर्स एज चॉकलेट्स, सो लाके सब एक दूसरे से कनेक्ट। एंड आपने देखा हैप्पीली सब जा रहे हैं, सब नेटवर्क कर रहे हैं, बहुत सारे कनेक्शंस नए उन्होंने बनवाए। एंड मैं खुश हूँ कि मैं वो जिम्मा बन चुकी हूँ कि मैं लोगों को कनेक्ट करवा रही हूँ और उनका बिजनेस सफल हो तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी, ऐसी आशा रखती हूँ। जो सपोर्ट मिला जैसे ममता जी का, अजय जी का, लोगों का सपोर्ट मिला, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कहना चाहूँगी कि वो जो प्यार है उन्हीं का, इन सब लोगों का, उसी की वजह से ये सब सक्सेसफुल इवेंट्स कर पा रही हूँ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप जो मेरा है सभी से, गरिमा है, ममता है, लेस्ली है, अजय जी आए, आपने देखा कि वो बहुत बिजी थे ललित में, उनका ऑलरेडी एक बहुत बड़ा शो था बट स्टिल उन्होंने हाँ बोला आने के लिए, वही एक बहुत बड़ी मतलब यू नो बात है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यस आई एम वेरी थैंकफुल एंड ब्लेस्ड टू हैव सच वंडरफुल पीपल इन माई लाइफ। जैसे लास्ट आपने पूछा था ग्रोइंग बॉडीज में कि क्या कर रहे हो, मैंने तब कहा था अखिलेश जी मैं एंटरप्रेन्योर्स का करने वाली हूँ, तो मैंने ये कर दिया। और अभी वापस बता रही हूँ कि मई जून में, बिकॉज ग्लोरियस गुज्जू भी मेरा एक कम्युनिटी है जो गुजराती लोगों के लिए बनाया है, वो मैं काफ़ी साल से हैं, 1-1.5 साल से मैं कुछ इवेंट नहीं कर पाई, तो अगला पक्का ग्लोरियस गुज्जू के लिए मैं प्लान कर रही हूँ। एंड यस, गुज्जू पीपल्स जस्ट वेट फॉर इट, वी आर कमिंग सून एंड ममता इज विद मी अलोंग फॉर दैट। यस प्लीज, आप लोगों ने कुछ बहुत बड़ा मिस किया है, ये आप सब जब अखिलेश जी और हमारे PR पार्टनर सब दिखाएंगे शोज को, आप डेफिनेटली कुछ मिस करने वाले हैं, तो प्लीज़ मत कीजिए, स्टे इन टच और पक्का नेक्स्ट ईयर आपका नॉमिनेशन कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, कोई भी कुछ करता है तो मैं हमेशा उसका एक हिस्सा बनना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि वुमेन शुड सपोर्ट ईच अदर। जैसा कि निधि ने भी इवेंट के दौरान बोला था
इंडियंस की टेंडेंसी होती है, लोग कहते हैं ना हमारी क्रैब मेंटालिटी होती है, एक दूसरे को ऐसे हम पुल डाउन करने का सोचते हैं, बिलिटल करते हैं, बट आज मुझे लगता है चीज़ें बहुत बदल रही हैं एंड अगर सारी औरतें मिलजुल के एक दूसरे का साथ दें, हम बहुत आगे जा सकते हैं एंड वी कैन रियली रियली एम्पावर अ लॉट ऑफ वीमेन. तो मैं तो इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ और आज का इवेंट बहुत ही अच्छा था. इनफैक्ट मुझसे जैसे भी बन पड़ेगा, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ. एक इन्फ्लुएंसर ट्रू सेंस में तभी इन्फ्लुएंसर बनता है जब वो सोसाइटी में कुछ अच्छा काम करने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके. सो मैं यही चाहती हूँ और मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट ईच अदर. मेल फीमेल मुझे एक्चुअली उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट यू नो एक दूसरे को जितना हम सपोर्ट करते हैं सब मिलके आगे साथ में बढ़ते हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी शुड प्रमोट. आप कुछ वर्ड कहना चाहेंगे? मैं इसके लिए ये बोलूँगी कि वो आई एम रियली थैंकफुल. मैं आप सब जानते हैं वो इन्फ्लुएंसर थी, वो ऑलरेडी ट्रैवल कर रही थी बहुत टाइम से, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट आई जस्ट टोल्ड हर प्लीज़ देख ले इफ़ यू कैन मेक इट पॉसिबल बट एंड वो आई आई एम रियली थैंकफुल एंड ब्लेस्ड कि मेरा रिलेशन ऐसा ही रहे फ्रेंडली नोट में कि बस अपने आप से इनिशिएटिव नहीं लेती हूँ, बट अगर कोई इनिशिएटिव लेता है तो मैं उसको सपोर्ट जरूर कर सकती हूँ. एंड निधि रियली इंस्पायर्स मी बिकॉज हर जेस्ट फॉर गेटिंग पीपल टुगेदर, यू नो शी इज एन एंटरप्रेन्योर इन द ट्रू सेंस एंड यू आर डूइंग ग्रेट जॉब. थैंक यू. नहीं, हमारा प्यार इतना अच्छा है कि हम हमेशा कॉम्बो कर ही लेते हैं. मैं तो बहुत नर्वस थी कि मैं क्या पहन कर रहा हूँ. मैंने तो निधि को कॉल करके पूछा था कि एकदम ऐसे तड़कते भड़कते चमकते कपड़े पहन कर रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योर बन के आना है. एंड शी सो स्वीट, शी सेड जो तुम्हारा मन करे पहन के आ जाओ. तो आई थिंक ये कोइंसिडेंस ही हो गया है कि हमने इस तरीके से ड्रेसअप किया है. सो वी आर काइंड ऑफ ट्विनिंग, नॉट रियली ट्विनिंग बिकॉज शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल इन एन एथनिक साड़ी और मैं तो ऐसी हूँ. सो यस, मैंने उसको बोला था तो कुछ भी पहन ले, तुझे लोग जानते हैं पहचानते हैं, तेरे बहुत बड़े फैंस हैं, एनीवेज दे आर गोइंग टू सपोर्ट. सो हर चीज में वो बहुत प्यारी लगती है एंड नहीं एंड इवन द विनर्स हियर और आज जो भी यहाँ पे लोग जो अटेंड कर रहे थे उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरे लिए भी वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन वाली चीज़ थी. एंड इसीलिए मैंने भी उनसे कहा है, आप सबसे भी कह रही हूँ, @ गरिमास गुड लाइफ इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब सब जगह पे मुझे फॉलो कर लो. ये तो इन्फ्लुएंसर को बोलना ही पड़ता है, लेकिन आप लोग अगर मुझे टैग करोगे, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. आई विल प्रमोट ऑल योर स्मॉल स्केल बिजनेसेस और मैं चाहती हूँ कि आप लोग आगे बढ़े. तो ये ग्रोइंग इंडिया का भी बोलते हैं, ग्रोइंग इंडिया, ग्रोइंग बॉडीज एंड क्या गुज्जू, ग्रोइंग इंडिया को सपोर्ट. ओके, सो ग्रोइंग इंडिया इज निधिज प्लेटफॉर्म. इट्स अ मार्केट प्लेस जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं और अमेजोन की तरह, फ्लिपकार्ट की तरह ये एक देसी प्लेटफॉर्म है. तो प्लीज़ यहाँ पर आइए और ग्रोइंग इंडिया पे लिस्टिंग कराइए और अपने खूब सारे प्रोडक्ट्स सेल कीजिए. एंटरप्रेन्योरशिप में दिस कुड बी अ वेरी वेरी बिग स्टेप. करेक्ट, लवली, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. सबसे पहले तो मैं ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर्स का आज 2 ईयर्स कंप्लीट हुआ है तो मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी. और बोलना क्या है, सुपर डुपर पावर. आज जितने लेडीज़ यहाँ पे जो स्माइलिंग फेसेस दिख रहे हैं तो आई थिंक यही इसका जवाब है कि ये प्रोग्राम कितना अच्छा हुआ है. एंड मोर पावर टू यू निधि मैम कि आप जिस तरीके से लो स्केल टू हाई स्केल सारे लेडीज़ और मेन सभी को आगे बढ़ाते हैं, इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए क्योंकि ऐसा एक प्लेटफॉर्म करना हर किसी के बस की बात नहीं है जो आप कर रही हो. तो मोर पावर टू यू और इसी तरह सभी को और पावर देते रहिए ताकि सब आगे बढ़ते जाए और सभी अपनी लाइफ में जैसे आप ग्रोइंग बडीज के साथ ग्रो हो रही है वैसे सभी होते जाएंगे. अब एक थैंक यू और नहीं, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि सलमा आई एंड आई एम अप्रिशिएटिंग हर वर्क. मैं हमेशा बोलती हूँ उसकी चीज़ों के बारे में. लास्ट हम काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है और बस मैं इंकरेज करती हूँ लोगों को कि ये बहुत अच्छा काम कर रही है, करती रहे और हज़ारों लाखों लोगों की दुआएं लेती रहे. थैंक यू सो मच, ये आप सभी की दुआ है इंडीड. मैं तो अखिलेश जी के लिए भी बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से आई थिंक मीडिया है तो हम हैं, राइट? सो मोर पावर टू मीडिया. थैंक यू अखिलेश जी, हमारे काम को आप जिस तरीके से सराहते हो और सोशल मीडिया में स्प्रेड करते हो
तो आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। थैंक यू सच में। मैं अकेले बन रहे हैं, इसने चार चांद लगा दिए हैं हमारे ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड में और इतनी तारीफों का फूल बरसाई है मेरे बारे में। यू नो बट आई गॉट गुड कॉम्प्लीमेंट्स कि आई टुक द इवेंट टू अनदर लेवल। अच्छी बात है कि वुमेन आर अप्रिशिएटिंग अस हमेशा, जब हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को आगे बढ़ने का उत्साह भी दे रहे हैं, यहाँ पे सब इच अदर को ग्रोथ देखना चाहते हैं, एवरीबडी इज गिविंग अस इनपुट्स। तो निधि ने आज जो कमाल कर दिया है, हम सबको इकट्ठा कर दिया है, ऐसे लोगों को लेके आ गई है निधि ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर्स में। आज आई एम सो हैप्पी मीटिंग ऑल दिस अमेजिंग पीपल एंड मैं इनके ग्रोइंग बडीज में भी मेम्बर रह चुकी हूँ, उनके इवेंट्स अटेंड कर चुकी हूँ। अभी ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स आज दूसरा साल था, पैंडेमिक में जो हमें चाहिए था शी गेव अस यू नो अ बूस्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल जो एम्बिशियस है। यू नो एम्बिशियस पीपल को हम सलाम करते हैं क्योंकि वो केयर नहीं करते लोग क्या कहते हैं, वो यू नो घर में छुप के नहीं रहते, अपना जो ड्रीम्स है उसको पूरा करते हैं। थैंक यू निधि फॉर मेकिंग अस फील गुड। होस्टिंग करते हुए आपने लोगों के चेहरे पढ़े होंगे कि किस तरीके का उनका ये था एक्सप्रेशन था जब उनको अवार्ड के लिए बुलाया जा रहा था, जब उनको अवार्ड दिया जा रहा था, कैसा एक्सपीरियंस था और क्या देखा आपने? आई थिंक ये जो अवार्ड सेरेमनी आज हो रहा था, मैंने देखा कि सब बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि मैंने ये देखा है जो घरों में हम कभी कभी फील करते हैं कि हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलता। घर में सबको पता है कि हम बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं या अवार्ड विनिंग लोग हैं, बट ये जो अवार्ड आज मिल रहे हैं ना, लोगों के चेहरे पर खुशी थी एंड निधि वॉज मेकिंग श्योर कि सबको अवार्ड दिया जाए, सबने जो एफर्ट्स किया अभी तक ज़िंदगी में उनको बुलाया जाए, उनको एक ताज पहनाया जाए। ये सब अवार्ड्स है जिसे देख के ना हम खुश हो जाते हैं बिकॉज इन अ वे वी आर गोइंग होम टेलिंग कि आज ये मैंने जीता है, तुम आज मुझे रेस्पेक्ट दो ना दो, मुझे तो निधि ने अवार्ड दिया है। यस थैंक यू सो मच। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर निधि पंड्या स्पेशली। वी हैड स्टार्ट विथ स्मॉल ग्रोइंग बडीज एंड नाउ इट्स ग्रोइंग so much and she is doing amazing hard work actually and ready to help every time everyone anytime she never get back or kabhi bhi nidhi ka wo nahi raha, every time she is a very good friend and ready to help always, so I appreciate her all the efforts and you please guys support her and join growing entrepreneur growing buddies and growing India। थैंक यू सो मच। ये भी बहुत अच्छी फ्रेंड है हमारी, स्टार्टिंग से हमने शी नोज हमने कैसे शुरुआत की थी, मैंने कैसे ग्रुप कम्युनिटी बनाया, इन सब फ्रेंड्स लोगों का हेल्प था सपोर्ट था, जो 10-15 इसके कनेक्ट मेरे कनेक्ट उसके कनेक्ट वैसे करके हमने कम्युनिटी रेस की और थैंक यू मित्तल फॉर ऑलवेज वेलकम। ये बहुत बड़ी यूट्यूबर है, ये बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर है, रेकी मास्टर है, अगर आपको कोई परेशानी है प्लीज गेट इन टच विद हर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल द नेम ऑफ मित्तल कोटक। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच। और हेलो मीडिया पीपल एंड दोस्तों, ये है हमारे प्यारे परिमल सेठ जी हु हमारे मतलब गेस्ट स्पीकर थे, स्पेशल गेस्ट थे और स्पीकर थे एंड ही इज द फाउंडर ऑफ Canis Global Solutions Private Limited, बहुत अच्छे मेंटोर है और मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। एवरी टाइम ही इज़ ओपन फॉर गाइडेंस, ये स्टार्टअप्स को फंडिंग करते हैं एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो ओवर टू यू सर, मेरा प्लेजर था कि ये आए एंड उनका प्रेजेंस हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। थैंक यू निधि, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस अवार्ड को लेकर और निधि के बारे में? मैं अप्रिशिएट करता हूँ निधि को, माने द वे शी हैज कंडक्टेड दिस इनफॉर्मल वे ऑफ इंटरेक्टिंग दिस ग्रुप, यू नो दिस स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, इट इज़ जस्ट फैंटास्टिक। और आई शुड अप्रिशिएट, मैंने अभी थोड़े दिन दो दिन पहले ही निधि से बात कर रहा था, उसको पूछ रहा था कि इतने छोटे टाइम में तुम इतना कैसे संभाल रही हो, इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे कर रही हो, तो बोला बस वो हिम्मत से हो रहा है और सबका सपोर्ट है एंड इट वेंट। सो आई मस्ट अप्रिशिएट द वे निधि हैज डन दिस प्रोग्राम एंड वी रियली एन्जॉयड इट। और ये प्लेटफॉर्म में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लाना, सबसे इंटरेक्ट करवाना और हम लोग भी समझने लगे हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कितना फंडिंग चाहिए, क्या चाहिए आगे ग्रोथ करने के लिए, उनको क्या सपोर्ट चाहिए, तो वी आर देयर टू हेल्प देम। तो एनी टाइम मेंटोरशिप के लिए हम तैयार हैं,
एनी टाइम कोई भी वुमेन एंटरप्रेन्योर को लगे कि फंडिंग चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मेंटोरशिप चाहिए, तो वी आर देयर टू हेल्प देम. थैंक यू मिस. थैंक यू. थैंक निधि फॉर गिविंग मी अ बिग बिग अचीवमेंट एंड जस्ट थैंक यू. थैंक यू नेहा कैसा. इसकी भी ब्रांड है कैसा कलेक्शन, सो प्लीज़ शी इज़ अ लीडिंग क्लोथिंग ब्रांड है. अगर आपको देख रहे हैं कुछ वुमेन वेयर के बारे में तो यू कैन कनेक्ट विथ हर. आई लव टू प्रमोट माई एंटरप्रेन्योर. थैंक यू डियर. डू विजिट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम नेहा खखर. थैंक यू दोस्त. आज का जो वेन्यू बहुत प्यारा जो आप देख रहे हो, सेकेंड होम लॉन्च, ये इनका है. ये ओनर और फाउंडर है मिस्टर सुमित बाफना. थैंक यू सो मच. आपने यू नो जो हॉस्पिटैलिटी दिखाई है, अमेजिंग फूड था, लोग बहुत खुश हो गए. आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी है एंड आप भी ग्रो कर रहे हो हमारी तरह जैसे हम ग्रो कर रहे हैं. आपका कैफे से लेके अभी लॉन्च है और हम बेस्ट विशेस दे रहे हैं कि और बड़ा आप ग्रो करते जाइए. आप क्या बोलना चाहेंगे, लोगों को बुलाना चाहेंगे? यस, आई वुड जस्ट लाइक टू से वन थिंग इज दैट आई फेल गुड. You know, you hosted this event. Thank you. Because she told me 30 लोग आने वाले, 30 people, and इतना crowd है. Even मेरे को भी डर लगने लगा यार, इतने crowd को कैसे संभालूँ, क्या करूँ. But everything managed, and Nidhi being a wonderful, you know, we met via Tushar, but yes, yeah, Tushar. It's the first time that we are meeting. Yes. To be honest, but yeah, lovely. Do keep coming here. Thank keep your event you open so again. Yeah. Thank you so much. Thank you.